युवा हथ और यू पैर तो यार दोनों जमा भूडे दुखन लग रहे थे। कम पे भी था एक बार तो बोले भी बोल गया। मेरी माँ मेरे ऊपर को वैर के लेके जान लग रही है सारा कुछ। कई दिन वापस आऊंगा और यह वो ड्रेस है जो मैं रवि तक पहन के जाऊंगी। हाँ जी राम राम जी सारे ने। और वीडियो देखने तो आप आए गए हो और मैंने उम्मीद है वीडियो देख कर आपने मजा भी आया होगा, पर उससे पहला आपने वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पे अपना प्यारा सा क्लिक करके अपने चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी का बटन भी दबा दियो ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आपने सबसे पहला मिलती रहे और आपका और हमारा साथ आगे नुए बनया रहे। हाँ जी राम राम सारे ने, स्वागत है आप सबका अपने एक और नए व्लॉग में। और फिलहाल 8:30 बज रहे हैं और मैं उठ गया हूँ, बस व्लॉग पब्लिश कर दूंगा और फिर अपना दिन शुरू हो जाएगा। और रिंकू आज ईब तक उठी को नहीं है, वो मतलब सुती थी तो मैंने ठाई को नहीं, मैं सुती रहने थी क्योंकि उसका गला के बनया कि रात न उठी। मैं कई बार ठाया नहीं, मतलब सरू में तो मैं जागूंगा था 2:30 बजे लग, उस टाइम लगवा सोई को नहीं थी। तो एक बार उसका जुकाम हो रहा था, कुछ उसका तबीयत खराब हो रही, तो उसमें विक्स गेड़ के गर्म पानी में बाँप सी दी उससे, फिर उसका सिर दुखा था तो थोड़ी देर सिर दया होगा वो कर सोएगी सोएगी सोएगी। फिर मैंने देखा घंटा एक पास मतलब 3 बजे से देखा तो मैं उठा था उस टाइम, तो फिर देखा मैंने फिर वह मतलब दूध पीऊँगा मैं तो मैं हूँ पीती दूध दाल, मतलब उस टाइम भी वह जागने लग रही थी। और फिर उसने मैं 6 बजे से ठाया मतलब वो करके लह गए, उसके की दिक्कत हो रही थी बिरयानी की समस्या बनी की सिस्टम बनया जो उरली साइड का मतलब यू है नहीं अपना यू हाथ और यू पैर तो यहाँ दोनों जमा भूडे दुखन लग रहे थे। मतलब उसके भाई आपो तो नुआ लेंस थे और भूडे दुखे थे, तो फिर मैंने उनकी मतलब मसले से मैं दोनों की मालिश मुलिश करी, लाइट लाई थोड़े जनू वो करे अग पाछा वो करे थोड़े से बहुत मतलब वो करे, फिर भी काफ़ी देर तक दुखे थे उसके मतलब जमा रोए थी वह। तो फिर जाकर ईब सी उसकी बिरयानी तो ऐंख लग गई है, बिरयानी वह ऊँ लीटर ही है सुस्ती में, पर जो भी है मैंने छेड़ी है को नहीं, माँ अगर ऐंख लग रही है तो बढ़िया है नींद पूरी हो जाए क्योंकि वह सारी रात नहीं सोई है। तो कल की रात मतलब कुछ स्त्रियाँ बीती कितनी मतलब मैं सोच सोच के यह चीज़ें हैरान हूँ कितनी दिक्कतें हुआ ना परेशानियाँ हुआ मतलब प्रेगनेंसी में। और फिलहाल तमन्ना अंदर है, माँ उड़े है को निकड़िया भी कि साइड जा रही है उस साइड जा रही है कड़ा जा रही है। चलो मैं ब्रश वगैरह कर लूँ और माता ही मिल लिया और ईब मैंने ब्रश कर लिया चाय पी ली और ईब ठहरी में गाड़ी की चाबी। आज मैं संडे है तो गाड़ी ने सवेरे सवेरे दुआन हैत्र खड़ी कर हूँ और काम में एक दो बस स्टैंड वाली साइड उस साइड जाऊंगा और एक दाढ़ी कराया गाणी है जिन्ना ही मैंने फ्री दिखा तो आंदा आंदा दाढ़ी भी कराया आऊंगा। फिर यह देखो अपनी गाड़ी का मतलब बुरा हाल हो रहा है, एक तो भी तरसीट पे भी चिप चिप सी हो रही है और एक साइड में वो सारा ही रिश्ता भरिया पड़िया मतलब, तो इसने बढ़िया तरीके से धोया जा साफ कर दिया। और मैं जाने तो पहला बटुआ चकन आया था तो देखा अपने सैन साहब भी उठ गए हैं मरीज आदमी ये भी दुखा थे ऊँ गर्म सा तो है शरीर इसका पर बुखार तो कमी जुकाम कर कर रहा है और इसका भी रनकी हुआ था यूस यू मतलब हाथ और यू पैर दुखे दे रहते ना पूरे पता नहीं तो दब गया था कि सिस्टम चल कोई बात नहीं कई बार मरोड़ा तले आ जाए फिर भी दुखन लग जाए पर नू पूरा हाथ पैर दोनों चीज भी रहनी ऊपर दुखन लग गई एकदम कम पे भी था एक बार तो बोलले भी बन गया मुश्किल तो जगाए थे ना दब जाए कई बार ऊँ सपना सुपना में भी कौन दब जाती आ भी चीज हो जाए। चल इतने वो कर लियो मैं गाड़ी दुआनी खड़ी कर काम ठीक है खै पी ले आराम ते उठ जाए रिलैक्स हो जाए। और ही मैं जाया बस स्टैंड पे भी दाढ़ी भी कराया और मालिश भी करवाया सिर में और अपने मरीज जी उड़ा तो उठा हुए भी कुकर हम आया उल्टी पड़ गई तो तबीयत ज्यादा खराब है इसकी। और अपने मरीज जी कोई खिचड़ी परोसी गई बाल लेटा गया मालिश करवाया गया हूँ दाढ़ी ताड़ी कराया गया था उल्टी के खाया था जिन्हें लेके इसके बारे में की दिक्कत हो रही है कुकर हो रही है या ठंड लग गए खेसी उड़ ले पर चैदर चुदर कम है पंखा
ले चल रेस्ट तो भी रहनी क्या मैं कह जई सवेरे ही मैं उठे ना जई बाथरूम कर कर सोया था जई थी इस हाथ में और यू पैर जो मैं मतलब नू जुगर करे करा ही नहीं करा रिंगे करे मतलब दर्द में नू रिंगे थी मतलब एक साइड तनु हां एक हाथ एक पैर पूरा दुखा था और पैर हाथ ना इश क्या ले मतलब आप तो अल्लाह ही जावे फिर मतलब मन ने वो करे नू मालिश मुलिश ही करी और नू आज तू तो करे यार फिर नू काम बैंस ही थे पूरे चलो दब दूब की महा जोर सपना सपना में दब जंदी कई बार हैं की बिरा की दिक्कत है की दिखा ध्यान में कुछ को नहीं तो नॉर्मल खांसी जुकाम हो रहा था वही दिक्कत पाएगी इसके कड़ियां मंदी के उसे साइड सुती होगी या नुमरोड़ा मैर गए और दब गई होगी फिर जुकर हाथ भी अपन शर्तरा दे ले क्या इतना दे जा सुन नू तो कई बार हो जाए मतलब बंदा सपना में सुते हो और दब जाए नहीं डर डूर जाए तो मतलब नू सोचा उस सपना में सोचा भाई मैं किलकी मारूं बोल लिया गंदा था उस पे तो वही चीज हुई है मंदी का उस फिर डर के फिर हाथ पैर ले होनी और अब 4 बज गया मेरी तबीयत में कोई सुधार को नहीं जीत नाल लग रही है मैंने तो कह दिया मैं डॉक्टर ने बुलाया तो मन नहीं मेरा क्योंकि ना तो नींद आंदी और इतना बुरा हाल है पसीने आवे वैसे गर्मी लग गए है अगर फिर पंखा वंखा चलाओ तो फिर ठंड लगन लग जाए हड्ड गोडे भी दुख है उस साइड सोऊं तो या नाक रुक जाए उस साइड सोऊं तो फिर या नाक रुक जाए ना सांस आंदा और ऐख इतनी ताती बढ़े नहीं ना नींद आंदी भाई नू आदमी सोई ले वे चलो बीमार है तो पड़िया रहे तो सोई ले वे नींद भी को नहीं आंदी वैसे प्रेगनेंसी में कह रहे हैं कि माँ भी नट थी कि दवाई लेनी नहीं चाहिए वैसे पर मैं डॉक्टर पे पूछ पैछ के ले लेंगे हाई डोज की नहीं थोड़ा नॉर्मल उसकी ले लेंगे पर मेरे पे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा जब मैं गुंडा काम हो रहा है आज पूरे दिन और ना मैंने सुबह तो कुछ खाया पिया है दूध पिया था प्रोटीन वाला वो भी गिर गया फिर थोड़ी सी खिचड़ी बनवाई मैंने स्पेशल कह के ने क्योंकि खिचड़ी नहीं जिगर था रोटी खाने जिगर और खिचड़ी भी इतनी सी खाई गई जो मैं आधी सी बस उसे मुँह थोड़ा सा खिचड़ी मेरे दूध में भी कड़वा मुँह रहा ना मैंने भूख लाई रही अनार भी छिले छिलाए रखे हैं ड्राई फ्रूट फ्रूट सारे तो कुछ भी खाने जी नहीं कर रहा करीब 4 बज गए हैं शाम के और मैंने नहाया हूँ फिलहाल उससे पहला मैं फिल्म देखने जा रहा था न्यू पड़िया पड़िया और रिंकू भी इब उठी है सोने की कोशिश कर रही थी पर सोई है गुनिया मंदी है क्योंकि मैं न्यू लिटी पाई है उन्हें जिम में गया और ना इसने कुछ खाया हुआ है तो ई भी जिद कर रही है कि डॉक्टर ने बुलाओ मैंने दवाई दवाओ पर मैं कह रहा हूँ कि मतलब ज्यादा प्रेगनेंसी में दवाइयाँ ठीक भी हो रही में तो मतलब ना नुकर सी ये कर रहा था पर ये कह रही है मेरा बुखार भी हो रहा है वो भी हो रहा है तो मैं चल एक बार बुलाएगा चेक करा लिया कोई दिक्कत नहीं है ना इसके नहीं हो रहा कदे मैं ठीक के नहीं हूं और मेरा प्रोग्राम रह जाए नी तो इसका तो बड़ा इंतजाना है नहीं नुप्योर पी लिया मैं तो उसका फिक्र हो रहा है इसकी सेहत तक ना फिलहाल मैं कदे ठीक के नहीं उम्र में वो प्रोग्राम रह ले और गाड़ी भी अपनी दू गई होगी तो मैं फोन करके पूछ लू जो दू गई होगी गाड़ी ले आवा और फिर मैंने नरवाना भी जाए गाना है नरवाना इसके ही कुछ पार्सल ले रहे हैं शायद इसकी ड्रेस वगैरह है बिरयानी की है तो वह चक्कर लेकर आने हैं नरवाना जाना डॉक्टर बुलाना गाड़ी लेने तो 3-4 काम लगातार मैंने तो वह कर लियो मैं सारे और ईब गाड़ी तो अपनी आई को नहीं आई बिलग दू कहना तो मैं मोटरसाइकिल पर ही जाऊँ नरवाना जो रिंकू का वो लेकर आना नहीं सामान ठहरे उसका बस मैं मतलब बस का टाइम हो गया तो इतना मैं लेट हो जाऊँ मतलब गाड़ी का वेट में रहूँगा जी वो भी कोई दिक्कत को नहीं मोटरसाइकिल पर चल पड़ांगे साहिल हेलमेट लेकर आने लग रहा है और साहिल ने भी ले जाऊंगा मैं गल दो जावे एंड आवे आज एतवार है तो मेरी माँ खेड़े पे धोख मार के आवे है और जाना तो मन भी था पर मेरी तबीयत ठीक होनी चलने की जमाई मुश्को नहीं तो मेरी माँ मेरे ऊपर को वैर के लेके जाने लग रही है सारा कुछ देखिए बंदर अपनी मस्ती में खेल रहे हैं और इब नरवाना तो है लिए मामे एक बार उड़े खड़े हैं क्योंकि क्या होया कि जो बस थी मैंने फोन करके पूछा बस आने में लग गया थी 10-1 मिनट तो उड़े खड़े हो गए वो लोग लाइव करना था जो कल शाम ना आपने देखा था रिंकू लाइफ स्टाइल पे तो वो लोग लाइव करने लग गया था मैं साहिल बोर हो लिया मन लागे बोर हो गया चल हाँ
चल भी तो चल आप सीधे अंदर आना बस स्टैंड पे एक समान आपने बस में चकना और एक फिर पार्सल कुरियर वाली दुकान पे तो दवाई देके गया डॉक्टर ज्यादा बुखार तो कौन था हल्का सा बुखार था पर खांसी जुकाम ज्यादा है पीने की तो दवाई पहले दे रखी डॉक्टर ने ना पी लूंगी मैं खांसी के बाद दिखा दी थी माँ है और 3 गोली ये ले लूँ मैं पानी के लिए तरबूज खाया था तो ये पेट में तो है कुछ माँ ले लूँ फिर ले लिए माँ दो पार्सल पंसड़ा भी ले आए और वैसे जो उरा लेना था वो भी साहिल ना खाने गोलगप्पे तो मामले टोनी पड़ेगी गोलगप्पे की दुकान और उरा पुराना बस स्टैंड पता पार्सल तक है मामा उरा को दिखती होनी तो कद उल्टा नहीं बह देना पड़ा पाना उड़ाई गोलगप्पे तो खड़ाने पड़ेंगे छोरा था है नहीं और तमन्ना उरा मस्त अपना व्लॉग देखने लग रही है लाइव चलन लग रहा साथ ही साथ देखने लग रही है तो ही बापा चल पड़े हम वापिस अपना घर की तरफ और आपने देख लिया साहिल कुकर तिंगड़ तिंगड़ के खा खाया गोलगप्पे लिया महा कह के खावा काका तीस के महा चल तीस के खा ले भाई तो जोर कन्नू नहीं हो कई तो देवे 10-4 कई 5 ही ज्यादा देवा था मन दिखे दस नहीं कई देवा था तो सही पेट भर गया चल तीस क्या मैं नहीं टूहाना तो भी कई बार 50-60 के भी खाता कला है तो बाकी सही है मजा बस माम भी खाए करते नहीं पीछे कट्टे कर करके ले करते किसी की महंग है और मेरी माँ अपना ब्लॉग देख ला रही गलन पैर नजर पैरी कौन है या कौन नहीं तो साहिल और आए है और मैं झाड़ू कड साहिल और साहिल का चाचा जी आए हैं मैं झाड़ू काटन लग रही थी दवाई लेने के आधे पौना घंटे में ही आराम हो गया मतलब जो भड़क सी थी नहीं शरीर में वो बिल्कुल गायब हो गई तो मैं झाड़ू काट दू सवेरे क्यों पड़ी हूँ अरे सहपाठी की मेरे सहपाठी की लड़की है तू तो आहो कैसे कैसे खेल रही है के कैसे खेल रही है है लिया डॉक्टर हाँ की बोलिया फिर बुखार हल्का सा था ज्यादा कुल था फिर दवाई दुई थी कोई 3 गोली मेरे भीतर में नाच दी खुद ध्यान दूंगी 2 पार्सल आ रहे मेरे एक यो आ रहे है जो कि डाक का थ्रू आया कुरियर का थ्रू आ रहे और एक यो आया जो कि बस का थ्रू आया साथ इसमें मेरी ड्रेस है इसमें पता नहीं क्या निकलेगा खोल के देखू मैं अरे ये देखो इसने कहते हैं असली मजा जिंदगी का तमन्ना उरा मशीन सीखो ना सीखो मैंने बिरयानी पर लैपटॉप चलाना जरूर सीखी प्रेस पता नहीं किसी लगेगी मतलब देखने मन तो अच्छी लगी डाल के देखूंगी भी वो आप बताओ आपने किसी लगेगी मन तो अच्छी लगी एक यो सूट आया है यो मैं कल पैर के दिखाऊंगी आपने बहुत प्यारा इसका फैब्रिक है दुपट्टा भी इसका अच्छा है पैंट प्लाजो का फैब्रिक भी अच्छा है इस पर वर्क है वो बिल्कुल कंफर्टेबल मैं अपने कल पैर के दिखाऊंगी ये सूट वैसे तो मेरा नहाने का प्लान कौन था पर मैं सोच रही हूँ नहा लूँ गर्म गर्म पानी तय नहीं तो मैंने सोच रही थी आज स्टार्ट कर दूँ पर तत्त पानी तो नहा लूँ थोड़ा और सोधी आओगी यो ये सूट पहन लूंगी मैं बहर तो लिगड़े रहा है क्या ना अलमारी माथा मेरा क्रीज ना जमाई बस सीधी सीधी मेर दे और दूगी अपनी गाड़ी भी बिल्कुल चमचमाती हो गई है बस ईव घर की तरफ चलना पर उससे पहला मैंने बस स्टैंड पे कुछ काम है उरे एक दो तो मैं और निपटा लू मैं और फिर चल रहा है एक तो ताबूर की LCD लेके जानी है बैठ गाली LCD अपने जो सी खराब हो रही थी LED तो जो ठीक हो ही पेगी तो वह लेके जानी है देखूंगा मिस्त्री गई अरे यार देखो मैडम जी जुट गई है कपड़े धोन ईव कौन सा टाइम के दो है बता और मन लग रही है भूख कुछ खाने का जी कर रहा LCD आला मिस्त्री हो पाया मैंने थोड़ी हण मगा फोन कर देगा फिर तो फिर बाइक पर जाकर ले आऊंगा ठीक तो कवाजा हो रही है तो मैं एक तो अपने अंदर ही है या वाली नमकीन और एक है या सेवा जी वाली तो दोनों ने मिक्स करके मैं गंठा टमाटर चीर के थोड़ा सा हर नींबू का गेड़े कर फिर नमकीन बना के बढ़िया खाते हैं और मैं नहाई हूँ मैंने एक जोड़ी मेरे कपड़े थे भी धो दिए अपने हलवाई साहब लग रहे है नमकीन खावे है इसमें और राम टमाटर कोडड़ बड़े चीरे प्याज कोडड़ बड़े चीरे आने मन्ने दिखाने मैं भी तो खाऊंगी अच्छा है तो सेव भाजी ले रहे माने दाल भुजिया ले रहे पूरा टेस्ट बना के खाओ भी भूख लग रही है और मेरी माँ ने दूध हो जाए मतलब कई दिन बीमार रहे बुखार रहे तो बहुत कम खाया ईब सारी भूख फूटेगी एकदम मेरे मैं सवेरे को खाया मैंने चाय भी पी ली बिस्किट भी खा लिया तरबूज भी खा लिया ये भी मारे नमकीन खाऊंगी पर ये तो सिर्फ बाजी डाल मेरी अलग से बनाऊंगी तो मैं खाओगी तू भी मैं खाऊंगी मेरी माँ तो खा लेगी।
और हो गई फाइनली चालू, ताबूर गया एलईडी भी कई दिन बाद। लरी मोटिव तेरा देख ले मजे। मैंने सब्जी चढ़ा दी आलू और शिमला मिर्च की, दो सब्जी बनेगी आज। एक सेव भाजी कह रही जीत मेरी बा बना दी। और मैंने चादर पलटी है इसकी भी, इसकी भी ये देखो घनी सारी होगी। इस रूम की भी पलट दी और इस खाट की भी पलट दी, इस बेड की पलट दी। तो मैं एक बार मशीन ला दू, मशीन लगा के ना मैं दीवार लगा दू। ये अपना मस्त मूवी देखा, एक वेब सीरीज देखने ला रहे, उसमें बिजी है। और ईब मैंने बनाई है इनकी सेव भाजी। बाकी और सारे अपने अपने फोन नाम बढ़ रहा, कोई लैपटॉप में बढ़ रहा, कोई फोन में बढ़ रहा है। और मैंने आज मशीन लगाई थी, चादर गेरी थी, पर मन लगा लोड ज्यादा हुआ था मशीन में, तो दो तीन चादरें निकाली है, रुक गई थी एक थोड़ी मशीन, तो ईब बोर्ड के कैड के ना फिर चलाई है। और जो मेरी जिंदगी के दो अनमोल रतन है नी, अनमोल रतन लगा लो, सबसे प्रिय है मेरा भाई और मेरे पति, इन दोनों आए ना सेव भाजी, इतनी स्वाद लग नहीं, इतनी स्वाद लग है। और तो दूसरे तीसरे दिन मेरी भाभी बनाए जाओगी मेरे भाई खातर सेव भाजी, सेव भाजी पूरे इन खातर दूसरे तीसरे दिन मैं बनाए जाऊंगी सेव भाजी, सेव भाजी। सब्जी चोर क्या ही बन रही हो, पर साथ में सेव भाजी और चाहिए जिस दिन मूड है। अरे देखो इतनी देर में चादर की क्या हालत कर गई, और तकिया कवर डाल दू, मुझे तो डालन नहीं दिया, सिराने ले रहे थे। और ये चादर थोड़ी मारी पुरानी नहीं भीड़ी है, तो चादर की मारा खाटा चादर की कमी है, तो कदम कदे मोर्चा मारांगे इनका भी। और ईब अपनी गपुंग गम खान जी लेने लग रही है खांसी की औषधि। मां मन्ने बिरा की चीज लाग गया, सच्ची बात बताऊंगा। मां ने रोटी राटी वैसे खा ली थी, तो ही पेठे दे बात नहीं हुई, मैं खाट पता मां रिंकू रहती तो बतरान रह गए तेन। और ईब दवाई लेने का टाइम हो, मां वो लोग का भी एंड कर लिया इसका, वो नहीं है जुगर कब नजर लैक जो वो है लाग गया, तो मन से नजर है इसका जुगर कह लू चाहना मैं फिर चाहता है। घर बनावा जिसका कहो बैर न खाली हाथी का काम टैंक करा जुगर प्रेगनेंसी दा पहला भी रही तो कर दी बीमार, पहला रही पूरी गोड़ी, कितना सिर दुख करता है कितना हो करता, बीच में फिर ठीक हो गई थी मतलब सही रही, फिर ये प्रेगनेंट हो पाछा फिर मतलब एक के आधा दिन बीच में लिकड़ता जिस दिन यह ठीक रही हुई, कदे तो बुखार तो उछाला है, बुखार तो रोज रहा हां, कदे तो के नाम है बच्चा लाओ ई लात मेरी नु मेरी उसकी पेट नु ले ली को रसोई में खड़ी गोया पड़ियां कोया खड़ियां और कोया फिरियां नहीं और चीजें नहीं तब मुंह छोड़ दी मतलब और ये बाकी चीज अपना खान पान आज कह ली सी और इन वजह से बाकी कोई चीज नहीं है। जब आप सबका प्यार है सपोर्ट है इतनी दुआ है तो सब कुछ ठीक के रहेगा और मां भी ठीक के रहेंगे। तो किसा लग गया आज का व्लॉग छोटा सा और कुछ खास करने था क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब थी, फिर मेरी तबीयत आज मन ने थोड़े मेरे जो घर के काम थे नहीं मन हुए ना मेरे और इसकी तबीयत खराब थी, तो आज आप सुनारा का भी जाके आना था और टुआना भी जाना था, तड़के कर लेंगे सारे काम आप कमेंट कर दियो भाई, शेयर कर दियो, नहीं हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दियो।